कि मुझे आग से दौड़ना था बच्चन की तरह. तो आई थिंक अगर मैं वैसे ही सोचने बैठूँ तो शायद वो रोल है जो मैं करना चाहूँगा एक बारी. मुंबई में बाहर मौसम चाहे कितना भी गर्म हो लेकिन आज मैं बहुत कूल फील कर रही हूँ क्योंकि मेरे साथ है द वेरी फेमस सुमित व्यास जो मिकेश. वी फेल इन लव विद द कैरेक्टर सुमित. लेकिन एक टेंशन की बात है पूरे देश भर के लड़कों के लिए, आप क्या कर रहे हैं? मतलब आप लोगों ने, आपने जो बॉयफ्रेंड के स्टैंडर्ड्स होते हैं, पहले वो मिकेश इतना स्वीट अडोरेबल लड़का वो सेट किया, अब ऋषभ, क्या कर रहे हैं आप? मैं कस्टमाइज बॉयफ्रेंड डिजाइन कर रहा हूँ जो कहीं नहीं मिलता. हाँ, जो कहीं नहीं मिलता, जो ऐसा एक बन जाए सबके लिए कि हाँ ऐसा सा यही चाहिए, करने से सब ठीक होता है. वेरी स्वीट. ओके, सो वीरे दी वेडिंग, मतलब अभी हर जगह, इट्स एवरीवेयर वीरे दी वेडिंग एंड इट्स योर रीसेंट रिलीज, कमर्शियल फिल्म विद बिग स्टार्स एंड सक्सेसफुल. हाउ डज इट फील? ग्रेट. इट फील्स ग्रेट. I mean that's what we hope for the film also to do, because this is the first time that I'm doing a proper commercial film. इससे पहले मैं सारी वो फिल्में करता हूँ जो कुछ लोग देखते हैं. नहीं, ये इससे ये वो वाली फिल्म है जो मुझे पता था कि सब लोग कम से कम देखेंगे. तो एंड द फैक्ट दैट पीपल आर लाइकिंग द फिल्म इज रियली ग्रेट. दैट मीन्स आई मीन what आई कैन अंडरस्टैंड इज कि जितना हम ना समझ समझते हैं ऑडियंस को, उतनी ना समझ है नहीं. वो बहुत समझदार हैं, बड़ी ओपन है और उनको दुनियादारी की समझ है. तो हमें उनको डंडे लेकर सारी चीज़ें सिखाने की ज़रूरत नहीं. राइट. जैसे आप बात कर रहे थे फिल्म्स की, लेकिन रिबन जो आपकी फिल्म रिलीज हुई थी कल्कि के साथ, बहुत लोगों ने देखी और अप्रिशिएट की. लेकिन अगर मैं स्टार्स की बात करूँ, लाइक कमर्शियल स्टार्स, करीना कपूर खान एंड सोनम कपूर, आप उनके साथ फिल्म में थे, कहीं क्या 1% भी ये थोड़ा सा डर होता है कि कहीं ओवरशैडो ना हो जाए मेरा कैरेक्टर, बिकॉज स्टार्स पर सारा टेंशन होता है? नहीं, इसमें नहीं था क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी. तो मुझे पता था कि रोल तो लिखा गया है. फिर मुझे ये थोड़ा सा अपने पे यकीन भी था कि मैं उतना ख़राब नहीं करूँगा. तो मुझे वो स्ट्रेस नहीं था कि ओवरशैडो हो जाएगा. मुझे ये डर ज़रूर था कि कट ना जाए. अच्छा, फिल्म में एक सीन है स्वरा भास्कर का, इन विच जिसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है. जी, जी, मतलब जितनी फिल्म की चर्चा है एक तरफ, उसकी भी उतनी चर्चा है. उसकी चर्चा है. सो व्हाट इज़ योर टेक उस सीन के बारे में? फर्स्ट थिंग इज आई एम ग्लैड दैट आई डिडंट डू दैट सीन. एंड ओके, सेकंडली आई डोंट नो व्हाट्स द बिग फज ऑल अबाउट. इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स एवरीबॉडी डज इट, यू नो. सो आई थिंक अगर एक कोई लड़के को ऐसा किसी फिल्म में करते दिखाते तो बड़ा शायद इतना बवाल नहीं होता. पर चूंकि एक लड़की ने ऐसा कर दिया तो सबको बहुत ऐसा लग गया कि ये कैसे हो सकता है, एक लड़की कैसे खुद को खुश कर सकती है, मतलब ये उसको कैसे आगे, ये तो सिर्फ पति जब करेगा तभी होगा वरना तो नहीं हो सकता. तो ये स्ट्रेस है हमारे यहाँ और आई डोंट थिंक ये सबका स्ट्रेस है क्योंकि अगर वो होता तो फिर पिक्चर नहीं चलती. तो पिक्चर तो चल रही है, तो वो एक एक सेक्ट ऑफ लोग है जिनको किसी भी बराबरी की चीज़ से थोड़ी सी तकलीफ होती है. तो ठीक है, सबको तो खुश नहीं कर सकते. तो आप इसको लेके कूल है? मैं इसको लेके कूल. मिकेश, ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, लड़कों की दोस्ती पर बहुत सारी फिल्म्स बनी हैं. अभी भी कहते हैं कि लड़कों की दोस्ती वाली फिल्म तो पहला नाम आता है दिल चाहता है और दूसरी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. लेकिन अगर लड़कियों की, चार लड़कियां जिनकी दोस्ती है और जो इंजॉय करना चाहती हैं अपनी जिंदगी को, उनके बारे में अगर एक फिल्म बनी तो इतना फस क्यों है कि चिक फ्लिक ये? हाँ, व्हाट डू यू थिंक? मुझे बिल्कुल यही लगता है कि ऐसा रिएक्शन क्यों, इतने हैरान क्यों हो रहे हैं लोग कि अरे लड़कियों की दोस्ती पे पिक्चर बन गई. मतलब इसका मतलब ये कि हमें और फिल्में बनानी चाहिए इस मुद्दे पर, ताकि लोगों की पहले तो ये हैरानी ख़त्म हो जाए अरे लड़कियों की दोस्ती की फिल्म. और पता नहीं क्या लोगों को लगता है कि लड़कियां जब दोस्त होती है तो बैठती है तो सिर्फ कपड़ों की बातें करती है, सिर्फ खाने की बातें करती है, जाने सिर्फ भजन की बातें करती है. ऐसा तो नहीं होता है. दोस्त जब मिलते हैं तो हर किस्म की बातें करते हैं और लड़कियां भी जैसी बातें, एक ही बात है. तो क्या लोग इतने हैरान हो जाते हैं, अरे लड़कियों को ऐसी बातें करते दिखाती है, बताओ बताओ. बट अगर और फिल्में बनती रहेंगी तो यू सेइंग कि ऑफ कोर्स ये हैरानी थोड़ी खत्म हो जाएगी. खत्म हो जाएगी. हाँ, एंड विद वीरे दी वेडिंग ये शुरू हो चुका है, मतलब आधी ही सेट ऑफ ऑडियंसेस ऐसी हैं जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है. जी, जी. अच्छा, एक आपका ट्रैक रिकॉर्ड है वुमेन सेंट्रिक फिल्में करने का, इंग्लिश विंग्लिश श्रीदेवी थी और उसके बाद आपने पास्ट जिसमें वो तीन महिलाएं एकदम लड़ते झगड़ते, तो क्या आपके क्या फेमिनिज्म को लेकर व्यूज हैं? और अगर बॉलीवुड की बात करें, वहाँ किस तरह से जेंडर इक्वालिटी आप क्या कहेंगे कैसी है?
अभी आज की डेट में तो मुझे नहीं लगता कि इस मुद्दे को लेके बहुत ज़्यादा सोचता है. जैसे एक्चुअली अभी पिछले कुछ दिनों इंटरव्यूज करके मुझे समझ आया कि अरे मैंने बहुत सारी फेमिनिस्ट फिल्में कर ली पर जब मैं कर रहा था तो मैंने ऐसा नहीं सोचा कि ये कोई औरत है जो डायरेक्ट कर रही है और मेरी कोस्टार औरतें हैं, या ऐसा नहीं सोचा. मैंने वो कहानी पढ़ी और मुझे लगा हाँ ये तो अच्छी कहानी है. मैं लोगों से मिला, मुझे लगा हाँ ये अच्छे लोग हैं, लगता है इनको आता है काम करना, तो मैंने किया. तो आई थिंक वो स्टेज आई थिंक सबके ज़िंदगी में अगर आ जाए तो ये सारा ये झंडा लेके नहीं घूमना पड़ेगा हमको कि फेमिनिज्म का. आई डोंट नो, माय डेफिनेशन ऑफ फेमिनिज्म इज कि बी ह्यूमन, बी गुड टू ह्यूमन बीइंग्स, बी मेल और फीमेल, है ना. ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो औरतें बहुत बेहतर करती हैं मर्द से, और ऐसी कई सारी चीज़ें जो मर्द बहुत बेहतर करते हैं, तो कंपटीशन ख़त्म कर देते हैं पहले तो, कि ये फर्स्ट आएंगे या ये फर्स्ट आएंगे, ये नहीं करते. वो जो इंसान है उसको इंसान की तरह ट्रीट करना चाहिए, रिस्पेक्ट से ट्रीट करना चाहिए. एक्चुअली ये बहुत नॉर्मल स्टैंडर्ड सेटअप उतना हाँ बेसिक है. अच्छा, इस फिल्म में आप करीना कपूर खान के ऑपोजिट हैं. हाउ वाज द एक्सपीरियंस? इट वाज लवली वर्किंग विद हर. शी इज सच अ स्टार एंड शी इज आल्सो अ वेरी फोकस्ड एक्टर इज व्हाट आई सॉ. आई थिंक वो सेट पे हम जब भी काम करते हैं तो ऐसा कोई माहौल नहीं होता है कि वो स्टार हैं और उनके बहुत सारे कुछ चोचले हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है. वो सिर्फ काम करने आती हैं और वो काम के अलावा बहुत कुछ नहीं करती. काम के अलावा हंसी ठट्ठा, यहाँ घूमना, वो बातें, वो सारा नहीं करती, नहीं करती. जो एक्चुअली मैं भी नहीं करता हूँ. तो मुझे ऐसे लोगों से मिलकर बड़ी खुशी होती है. राइटली सर. अच्छा, अगर परमानेंट रूममेट्स जैसी एक और सीरीज आपको करने का मौका मिलता है, आपने कहा ट्रिपलिंग का अगला सीजन आप कर रहे हैं, आप करना चाहेंगे परमानेंट रूममेट जैसी एक और सीरीज? हाँ, नहीं, अबाउट अ कपल. तो एक कर लिया, उसको कितनी बार एक ही टॉपिक तो दोबारा करके मतलब नहीं. ओके, सुमित, हर एक्टर का एक कैरेक्टर होता है, एक ड्रीम रोल होता है कि मैं एक्टिंग करियर में ये तो करने के बाद ही रुकूंगा. आपका ऐसा क्या ड्रीम रोल है? ऐसा कोई एक मुझे नहीं पता कैसा हो सकता है. मैंने वो बचपन में अग्निपथ देखी थी, जो बच्चन वाली अग्निपथ है. तो आई थिंक वो फिल्म इतनी बार देखी मैंने, उस फिल्म की वजह से मुझे लगा कि मुझे एक्टर बनना चाहिए. अच्छा. क्योंकि मुझे आग से दौड़ना था बच्चन की तरह. तो आई थिंक अगर मैं वैसे ही सोचने बैठूँ तो शायद वो रोल है जो मैं करना चाहूँगा एक बारी. Right. आपने इतना काम किया जो हम सब माध्यमों की बात कर रहे हैं, लेकिन वीरे दी वेडिंग एक कमर्शियल सक्सेसफुल फिल्म, उसके बाद जिंदगी में क्या बदलाव आया? कुछ नहीं, मैं वही रह रहा हूँ, मैं वही चीज़ें कर रहा हूँ. लोगों के रिएक्शंस में maybe. लोगों के रिएक्शन में बहुत बदलाव आया है. बहुत सारे मैसेज और फोन आ रहे हैं. बहुत अच्छा है. रैंडम रोड पे भी लोग ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं. वो अच्छा है, मुस्कुरा रहे हैं, रोक रहे हैं, पिक्चर्स क्लिक करवा रहे हैं. मेरे जिम में भी जो ट्रेनर थे वो आई डोंट थिंक इंटरनेट वगैरह देखते हैं, तो हाँ वो उसकी थोड़ी सी लिमिटेड ऑडियंस. ये क्या करता है? एक आधी बार जो एक्टर लोग मिलने आए तो उसको लगा कि इसको क्यों मिल रहे हैं, क्या है ये. अब वो पिक्चर देख के आए तो आजकल वो भी थोड़ा ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं. अच्छा. थोड़ा खुश हो रहे हैं मुझको देख के, थोड़े पुशअप्स कम करवा रहे हैं. हाँ. तो वो सब अच्छा है. अच्छा, थैंक यू सो मच सुमित फॉर टॉकिंग टू अस. इतनी एडवाइस भी मिली. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू.